बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होनी है लेकिन रोटी शोटी का इंतजाम हो गया। तो गाइस आज हम आए थे अनारमेन, ये है सराज रोड का बड़ा फेमस, और हमने लगाई अभी अफगानी बोटी। आप देख रहे हैं इंशाल्लाह मैं आपको नमकीन बोटी और अफगानी पुलाव रखने खानदारी वाला नान खिलाएगा, आपको मजा आएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग? तो गाइस आज जो है लेट नाइट ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ब्लॉग गाइस ये है कि एक दोस्त की बर्थडे है, वाओ, बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होनी लेकिन रोटी शोटी का इंतजाम हो गया। तो गाइस तैयार शैर हो गए, तो वो लोग गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं। हम भी टी शर्ट वी शर्ट पहन ली, बाकी तो पुराने चल रहे हैं। तो गाइस अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। प्लान अभी कोई नहीं है कहाँ जाना है, तो अभी जाते हैं और देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके तो गाइस हम निकल चुके थे और साथ साथ हल्का फुल्का म्यूजिक भी है और जैसे कभी इतना नहीं है। तो गाइस अभी प्लान तो हाईवे का और है, अभी देखते हैं कि हाईवे जाते हैं या कहीं और। गाइस आज हम आए थे अनारमेन, तो ये है सराज रोड का बड़ा फेमस, और हमने लगाई अभी अफगानी बोटी। आज क्योंकि ज़्यादा कोई प्लान नहीं था, अफगानी बोटी और इसके साथ हम खाएंगे नान। भाई बना रहे हैं अभी, हम आपको मिलाते हैं मुश्किल खान से। हाँ मुश्किल खान बताओ फिर अपना। आप ठीक हो? ठीक है। कैसे हैं आप? ठीक ठीक ठीक। आया कैसे, किस लिए आया? हम तो इधर बोटी खाने आया ना, आपका जो मशहूर है। तो अभी आप देख रहे हैं इंशाल्लाह मैं आपको नमकीन बोटी और अफगानी पुलाव रखने खानदारी वाला नान खिलाएगा, आपको मजा आएगा। हाँ जी, हम आपका मुश्किल खान। यार तकरीबन 1000 से ऊपर लोग आते हैं एक दिन में। टाइमिंग क्या है इसका? अलग जो रात को होता है मगरिब के बाद सुबह तक 1000 से ऊपर लोग आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर अगले सुबह 5 बजे तक। 5 बजे तक तो आपको सुबह रात में ज़्यादा होता है? दिन में पार्सल गैरेज ज़्यादा होता है, जो बैंक वाले और दफ्तर वगैरह वहाँ ले जाता है। रात में जो आवाम आता है बैठने के लिए शो के लिए लोग। हम हमेशा यहाँ से पार्सल लेके आज खाने आए हैं, पार्सल लेके गए हम लोग। तो बस आज खाने आए हैं तो उससे अच्छा मज़ा आएगा पार्सल। आज रश खत्म हो गया, ये तो अच्छा। हम लोग लेट आए हैं दिनों में, ये हम लोग लेट आए बजे तक होता है, होता है इतवार जो होता है वो फिर सुबह तक होता है। अच्छा चलो, टेस्ट तो आपको अच्छा लगता है, अभी खा के मजीद देखते हैं। यहाँ बन रहे हैं हमारी, हमने लिए दो दर्जन सीखे क्योंकि आज सिर्फ हम नमकीन रोटी खाने आए हैं, और इनका जो फेमस है वो है पुलाव इनका, जो कि बनता है ये बड़े वाले में। पतीला मैं आपको दिखाता हूँ, देख इनके ये बनता है इसमें। हाँ ये दिखा रहे, दिखा रहे, दिखा रहे, ये भी दिखाएगा भाई, तो ये चेक करें आप। तो काफी पुलाव है ना, काफी पुलाव चेक करें। किशमिश गाजर इसके ऊपर डाल दें। तो दिन में कितनी देके उड़ा देते हैं ये लोग? हैं 50 किलो, 50 60 किलो ज्यादा। इतवार के 100 किलो और 90 किलो करता भाई, ये बता रहे हैं 50 60 किलो रोज का, और हफ्ता इतवार तो 90 किलो तक जाता है। चलो हम भी टेस्ट करते हैं और बताते हैं फिर आपको कैसा है। हाँ जी, तो राय साहब क्या डाला फिर आपने? सर ये मैंने डाला है दो डिफरेंट किस्म के चाट मसाले। चाट मसाले दही में ना? वैसे सिंपल था ना दही? है नहीं सिंपल, बहुत वो था, फीका फीका था। अब ये बोटियों के साथ ये मज़ा करेगा। हाँ जी, और जो स्पेशल बात है आज है हमारे राजे भाई की बर्थडे, तो हम लोग ट्रीट देने आए हैं राय साहब को हमारी तरफ से है। जी बट साहब छोटे भाई, छोटे भाई, छोटे। 15 मिनट्स लेटर हमारी आ गई है नमकीन बोटी, रायता भी आ गया, कंधारी नान दो मंगवाए, हम सिर्फ ये कंधारी नान खाएंगे। नान तो दो नहीं, ये है कंधारी नान इनका, काफी बड़ा है। बट साहब शुरू करो। अच्छा इसको वोट आप ज्यादा दे रहे हैं फिर? दो दर्जन तो हमने खत्म कर दी हैं, लेकिन अभी भी दिल कर रहा है, साड़ी इशू भी चल रही है, अभी हमने दोबारा दिया एक दर्जन का ऑर्डर। गर्म गर्म लाएगा फिर खाते हैं। तो देख
एक दर्जन दोबारा आ गए तो बट साहब शुरू करो कर सर ले अरे ले अब इसका भी खाते गाइस गरम गरम है ओके तो गाइस रोटी शोटी हो गई थी कहाँ पे मुश्किल बगान अभी का शुगर आप कैसे हो रेस्ट हो गया अभी ये सहूलत है या ये वाली बिल्कुल है ये वाली है सिर्फ आते और इतवार रात नहीं होता है हाँ। बाकी दिनों में आप जब भी आएगा आप लोग मालिश करो आराम से बैठो खाओ पी लो सब सोला दे तो मुश्किल खान कब से आप इधर हो यार मैं यहाँ कब से हूँ हाँ। मेरे को तो 18 साल हो गया यहाँ पे छोटा बच्चा आया था आज बड़ा आदमी बन गया आज बच्चों वाले हो गए अरे पूछो मत बहुत बच्चे है और सब खैर चलो बताओ फिर लोगों को बुलाना है बताओ भाई भाई हमारा को सारे कराची वालों से ये कहना है आप लोग जब जब भी आएगा मुश्किल खान के पास जरूर आ जाओ अलरमैन अफगानी बोटी अलरमैन और जो पाकिस्तान बोलो बोलो आवाज जाएगी जाएगी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं बाहर कंट्रियों में वो जब भी पाकिस्तान आना चाहता है कराची एड्रेस बता मुश्किल खान के पास नहीं आएगा तो मैं यही समझता हूँ कि आप लोग कभी कराची नहीं आया जब भी आया कराची मुश्किल खान के पास अफगानी बोटी का जरूर आना सी यू नेक्स्ट टाइम तो गाइस रोटी छोटी खा ली थी इंटरव्यू भी हो गया मुश्किल खान ने अपना सारा बता दिया ये मेन सराब रोड पे है ये अंदर थोड़ा गली में है थोड़ी ये मार्केट बनी हुई है इसके अंदर है फिर आप यहाँ आएंगे तो ये है मुश्किल खान का डेरा यहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर भी आते हैं तो वैसे भी चलते हैं गाड़ी में और चलते हैं घर पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया अच्छा नहीं है कि आप मेन सराब रोड पर आएँगे अलहमैन की और आपको इस गली में जाना है यहाँ अंदर गली जा रही है वहाँ जाके लेफ्ट करके फिर राइट साइड पे गाड़ी शाड़ी निकल गई थी गाइस सभी चलते हैं घर पे टाइम ज़्यादा हो गया 2 बज के घर से काले शाले भी आने लग गए हैं 20 minutes later तो गाइस आगे थे अभी पार्किंग में अभी करेंगे लिफ्ट का वेट चलेंगे ऊपर और घर में गैस लग रही है यहाँ पे बाहर तो हवा चल रही थी अच्छी तो मैं अभी चलते हैं घर पे और मिलते हैं फिर घर पे जाके जाके नेथन और मैं को भी देखें मैंने किसी को बताया नहीं था जाने का लिफ्ट आ गई गाइस अभी लगाते हैं कॉल शॉल और चलते हैं ऊपर एंड गाइस नाम के चल रहे हैं पसीना आना शुरू हो गया 2 hours later तो गाइस ब्लॉग शो एंड हो गया था तो गाइस थक गए थे रोटी शोटी सही हो गई थी दोस्त की पार्टी शार्टी भी हो गई थी और गाइस अभी लगे हैं सोने क्योंकि टाइम बच गया 4 तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय